Hi there, KP fam. Welcome back to my channel, guys. आज की वीडियो जैसे आप थंबनेल और टाइटल से ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हो, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज कंसीलर जो कि है मेबलिन का एज रिवाइन एंड मेबलिन का फिट मी कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए और कौन सा बेटर है. बिकॉज मेबलिन के जो कंसीलर्स है ना उनमें ये वाले दो कंसीलर सबसे ज्यादा फेमस है एंड सबसे ज्यादा लोग इनको बाय करते हैं. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel and without wasting any further time let's get rolling. So If you want to see a makeup look मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है तो उसका वीडियो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा कि आप विंटर्स में एक ग्लोई बेस के साथ इंडियन मेकअप लुक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो. सर सबसे पहले ना हम इन दोनों कंसीलर के प्राइजेस की बात कर लेते हैं. हर वेबसाइट पे आपको अलग प्राइस देखने को मिलता है. नायका पे अलग प्राइजेस मिलेंगे आपको, देन एमेजोन पे अलग मिलेंगे, मिंत्रा पे अलग मिलेंगे. बट अगर हम प्राइस रेंज की ओवरऑल बात करें ना इन दोनों का प्राइस रेंज ज्यादा डिफरेंस नहीं है. 40 to 50 रुपीज ही आपको ऊपर नीचे होता है. लाइक अगर आप एज रिवाइन कंसीलर देखोगे ना इसका मोस्टली आपको प्राइस जो है वो 480 पे मिंत्रा के अराउंड इतना मिल जाएगा. एमेजोन पे आपको 380 के अराउंड भी मिल जाता है एंड ये वाला जो है ये मिंत्रा पे आपको 450 के अराउंड मिल जाता है एंड एमेजोन पे उससे भी कम मिल जाता है. तो बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, 100 to 40 रुपीज का ही डिफरेंस है. लेकिन एज रिवाइन वाला जो कंसीलर है वो फिटमी वाले से थोड़ा सा कॉस्टली है. नेक्स्ट अप अगर हम बात करें पैकेजिंग की, यू गाइज नो इट, मैं आपके साथ पहले भी ये चीज शेयर कर चुकी हूँ, मुझे एज रिवाइन की पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. लेट मी टेल यू द रीजन व्हाई. फर्स्ट अपने ही कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव होता है. यू हैव टू ओपन अप द कैप लाइक दिस एंड इस तरीके से आपको रोटेट करना होता है तो आपका प्रोडक्ट ये जो स्पंज टिप आपको दिख रही है ना इसके ऊपर आ जाता है. फर्स्ट अप तो इट इज वेरी वेरी मेसी. आप कैप की हालत देख चुके हो क्योंकि यहाँ पे स्पंज पे आपका प्रोडक्ट आता है, जब आप इसको बंद करते हो ना तो वो सारा साइड में फैल जाता है. यहां से आपका प्रोडक्ट ऊपर आता है, आप देखते हो भी स्टिल इतना प्रोडक्ट बाकी है बट स्टिल जब तक आपका स्पंज टिप ऊपर लगा रहता है ना आप सारा का सारा प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते हो. जब आप इसको रिमूव कर देते हो ना तो बेटर चांसेस होते हैं कि आप अच्छे से अपना प्रोडक्ट ले पाओ और उसको यूज कर पाओ. तो ओवरऑल ना इसकी पैकेजिंग उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है. लाइक उन्होंने एक डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग निकालने की कोशिश करी बट ये बहुत ज्यादा मेसी हो जाती है और बिल्कुल भी ये चीज हाइजीनिक नहीं रहती है बिकॉज डस्ट एंड डर्ट इसके ऊपर यू नो आके स्टिक हो जाता है जो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है. एंड कई लोग तो डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करते हैं तो उनको यू नो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं या फिर एक्ने, व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स भी इस तरीके की प्रॉब्लम उनको हो सकती है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिट मी के पैकेजिंग की, इसकी पैकेजिंग बेसिक कंसीलर जैसी है, नॉर्मल जैसे आपको इस तरीके की यू नो ओपन अप करने वाली वॉन वाली पैकिंग मिलती है बिल्कुल वैसी है. इस टाइप से इसकी क्यूबॉइडल शेप में यू नो आपको पैकिंग मिल जाती है. यहाँ पे इस तरीके का बहुत ही स्टर्डी वॉन्ड है, बिल्कुल भी यू नो हिलता डुलता नहीं है, फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है. एंड देन फिटमी की पैकेजिंग मुझे एज रिवाइन से बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेड्स एंड एवरीथिंग. अगर मैं बात करूं मेबलिन फिटमी में मेरा शेड है 10 लाइट. इट्स लाइक काइंड ऑफ एन एग्जैक्ट मैच आई विल से, या फिर वन शेड लाइटर बोल सकती हूँ. बिकॉज फाउंडेशन वगैरह लगाने के बाद ना जो आपका कंसीलर का शेड है वो आपकी स्किन से एक शेड ही लाइटर होना चाहिए. अगर आप बिना फाउंडेशन के भी लगा रहे हो तो भी ट्राई करना चाहिए एक शेड लाइटर. फाउंडेशन के साथ आप दो शेड्स लाइटर भी जा सकते हो. मेरा इसमें शेड 10 लाइट है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन करके दिखा देती हूँ. बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही क्रीमी कंसीलर है एंड एक्चुअली एप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एज रिवाइन की, यहाँ पे जो मेरा शेड है दैट इज 120 लाइट. मतलब दोनों में ही मेरा शेड ओके आप देख सकते हो ये लिटरली ना इस तरीके से मूव करता है एंड यहाँ पे आपका सारा प्रोडक्ट गैदर हो जाता है. सो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट थोड़ा सा पिक कर लिया इस तरीके से एंड दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ है. सो एप्लीकेशन ऑब्वियसली फिटमी वाले की बेटर है. आप देख सकते हो दोनों का ऑब्वियसली थोड़ा सा शेड का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है. इसको ना फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं. जो एज रिवाइंड कंसीलर है ब्लेंड होने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से ब्लेंड हो जाता है एंड ये एक्चुअली ना बहुत अच्छी आपको कवरेज प्रोवाइड करके देता है. आप देख सकते हो ये ना लिटरली बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको बिना फाउंडेशन के भी अप्लाई कर लोगे ना तो भी ये बहुत बढ़िया कवरेज देता है. एंड ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट मेबलिन फिटमी कंसीलर की जो कवरेज है ना वो एज रिवाइन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है. ये उतनी ज्यादा आपको कवरेज नहीं देता है. मैं आपको दिखा देती हूँ, यू गाइस कैन
टोटली सी द डिफरेंस इसकी कवरेज और इसकी कवरेज के बीच में। द थिंग इज ना, जो मेबलिन का फिट मी कंसीलर है वो ज्यादा बेटर लगता है जब आप उसको उसके फाउंडेशन के साथ यूज करते हो, बिकॉज क्या होता है ना, ये थोड़ा सा इस तरीके का कंसीलर है कि अंडर आईज में क्रीज कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हल्की बहुत क्रीजिंग कर लेता है, तो अगर आप इसको फाउंडेशन के साथ यूज करते हो ना तो ये ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन जो एज रिवाइंड कंसीलर है वो लिटरली बहुत ज्यादा क्रीज नहीं करता, अगर आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हो ना बढ़िया तरीके से तो वो क्रीजिंग उतनी ज्यादा नहीं करता जो मुझे फील हुआ है। कई लोगों को लग सकता है कि एज रिवाइंड ज्यादा क्रीज करता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस जो मुझे अपने फेस पे मुझे लगा, ठीक है। तो एज रिवाइंड मेरे फेस पे इतना ज्यादा क्रीज नहीं किया एंड लिटरली उसकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, कवरेज बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप एक फाउंडेशन नहीं भी लगा रहे हो ना तो भी इसकी जो एक फिनिश होती है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है। आई मीन आप दोनों शेड्स के बीच में देख सकते हो, जब मैंने स्वॉच किया था तब आपको जो मेबलिन का फिट मी है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ब्राइट है और ये वाला एज रिवाइंड थोड़ा सा डल है, लेकिन ब्लेंड करने के बाद यू कैन क्लियरली सी कि एज रिवाइंड की जो फिनिश है ना वो इससे थोड़ी सी बेटर है एंड ये फिट मी वाला ना थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, लेकिन एज रिवाइंड वाला उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता है। सो नाउ हम इन दोनों के एप्लीकेशन फेस के ऊपर करके देखते हैं अंडर आईज पे कि दोनों की फिनिश किस तरीके से आती है। सीन कि मैंने इस साइड पे एज रिवाइंड लगाया था और इस साइड पे फिट मी लगाया था, ऑब्वियसली एज रिवाइंड की जो फिनिश थी एंड कवरेज थी वो बहुत ज्यादा बेटर थी फिट मी से। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ फिट मी थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, उसकी वजह से ना थोड़ी देर के बाद वो वाली साइड डल लगने लग जाती है, लेकिन एज रिवाइंड वाली साइड ना बहुत ही ज्यादा नाइस एंड फ्रेश लग रही होती है। आप चाहो तो अपना फुल बेस भी उससे कर सकते हो, बिकॉज आपको लिटरली बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है, ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड कंसीलर है एंड आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। जो एज रिवाइंड कंसीलर है ना, आई हैव सीन प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट यूजिंग दिस कंसीलर एज वेल। मैंने एक बार मेकअप करवाया था तो उन्होंने मेरे बेस में ये प्रोडक्ट यूज किया था, तो ऑब्वियसली अगर एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इस चीज को यूज कर रहा है तो इसके रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छे ही होते होंगे। सो लीविंग पैकेजिंग असाइड, अगर हम पैकेजिंग को साइड छोड़ देना एक टाइम पे, आप बस उसका टिप हटा देना ऊपर से एंड ब्रश की हेल्प से आपको उसे वर्क करना पड़ेगा, एज रिवाइंड का जो फिनिश है, एज रिवाइंड की जो कवरेज है एंड जो आपको एक ओवरऑल बेस मिलता है ना, दैट इज मच 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 बेटर देन द फिट मी कंसीलर। एंड या गाइज, दैट वॉज माई मिनी रिव्यू फॉर यू गाइज। आई लाइक द एज रिवाइंड कंसीलर बेटर, इज जस्ट द पैकेजिंग दैट डज नॉट वर्क फॉर मी एट ऑल, क्योंकि पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा मैसी हो जाती है और अनहाइजीनिक हो जाती है, दैट इज द ओनली थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑलरेडी देख चुके हो फिनिश वगैरह किस तरीके से लगती है। इफ यू आर समवन जिनको डेली बेसिस के लिए कुछ कंसीलर चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्के से मेकअप के लिए, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दी मेबलिन फिट मी कंसीलर। बट अगर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए, यू वॉन्ट अ गुड मेकअप बेस, हैवी मेकअप बेस, तो आप एज रिवाइंड कंसीलर के लिए जा सकते हो। तो दोनों ही जो कंसीलर्स है ना उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अलॉन्ग विद माई शेड्स, आप चाहो तो वहां से जाके बाय कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।